बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत सी ज़बरदस्त क्रिकेट से जुड़ी खबरें हैं जिनको आज प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आप हमें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको फेसबुक लाइव की सहूलत भी मुयसर है। आप हमें पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त फेसबुक के ऊपर देख सकते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब की भी सहूलत आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग की मौजूद है PTV न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर। तो ये तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और शो का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। तो तमाम चीज़ों पर आज जिन पर गुफ्तगू करनी है वो आपको एक दफ़ा ज़रूर बताऊंगा। लाइनअप सबसे पहले तो हमने बात करनी है पाकिस्तान टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि अब तमाम तर जो चीज़ें थी, जो डेवलपमेंट्स थी, हम सब आपको बता चुके हैं। अब इसमें एक खबर ये ज़रूर है कि दो और चेंजेस हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में, जिनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले तो डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी का होता है और साथ ही साथ फिर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है। ये दो बहुत अहम होते हैं, तो इनके बारे में मैं आपको शो के थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, फिर आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन से नाम है जो ये ओहदा संभालने वाले हैं। लेकिन दौरा ऑस्ट्रेलिया की बात करनी है जिसमें क्रिकेट टीम जो है वो आज रवाना हो रही है। रवानगी से कबल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा से मुलाकात की है। कौमी टीम के 7 खिलाड़ी पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, तो ये एक डेवलपमेंट ज़रूर है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक दौरा है और मोहम्मद रिजवान के लिए भी पहली असाइनमेंट होगी बतौर कप्तान, उसके बाद नायब कप्तान सलमान अली आगा के लिए भी ये पहली असाइनमेंट है। और जैसा कि आपको पता है, क्योंकि गैरी कर्सन जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं, इसीलिए हम ये देखेंगे कि जेसन गिलेस्पी को इंटरिम कोच बनाकर इस दौरे पर भेजा जा रहा है। अब ये कितना तसलसल से चल पाएगा या नहीं, आगे क्या फैसला करना है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी कुछ ही महीने दूर है, पाकिस्तान कौन से नामों पर गौर कर रहा है व्हाइट बॉल कोच के लिए, इन तमाम चीज़ों को आज शो का हिस्सा जरूर बनाएंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और टेस्ट टीम के कुछ प्लेयर्स ऑब्वियसली भारत के खिलाफ सीरीज की वजह से इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो सकेंगे, तो ऑब्वियसली कुछ चॉप्स एंड चेंजेस जरूर होंगे। लेकिन ऑब्वियसली एक और भी बड़ी खबर है कि मैथ्यू वेड ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। बड़ा ज़बरदस्त करियर रहा है उनका भी, और मेरे ख्याल से करियर के एंड में जितने वो इम्पैक्टफुल हो गए खासतौर पर हमारे खिलाफ, वो तो एक मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त सी मेमोरी हमें ज़रूर याद आती रहेगी, तो उस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के लिए मोहम्मद मसरूर की बतौर फील्डिंग कोच खिदमत हासिल कर ली हैं और ये इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में भी टीम के फील्डिंग कोच थे, तो इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो खास तौर पर फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसके बाद आपको बताएंगे कायद अजम ट्रॉफी का 4th रोज़ है, एबटाबाद और उसके बाद फैसलाबाद, बहुत सारी ऐसी टीम्स जिनके बारे में हमने बात करनी है, और उसके बाद बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी हैं। बहुत ज़बरदस्त सीज़न का आगाज़ हुआ है और मुझे लग रहा है कि अगर हम इनको तसलसल से चलाते रहेंगे, शो का हिस्सा बनाएंगे, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब बार बार ये बात की जा रही है कि हमने इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ में ये ज़रूर देख लिया कि आप जब मेरिट के ऊपर फैसले करेंगे, आप उनको मौका देंगे जिनके पास फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है और फर्स्ट क्लास कायद अजम ट्रॉफी है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि हम कुछ और टूर्नामेंट के बारे में सोचें। तो कायद अजम ट्रॉफी का जो एक्सपीरियंस है, जब आप उसको लेकर आएंगे और उसमें भी फिर आपने फैसला करना है कि कौन इंटरनेशनल मटीरियल है और किसको और खिलाना है, तो ये बहुत ज़रूरी होने वाला है, तो इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले पैनल का तारुफ कराते हैं आपसे। हमें शो में सबसे पहले ज्वाइन कर रही है हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सनामीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथ ही एंकर और क्रिकेट एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स पर भी मुख्तलिफ चीज़ों पर हम इनसे गुफ्तगू करते रहते हैं, जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक। आपसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तजियाकार भी हैं, खुद भी एक एंकर हैं, बड़ा शानदार प्रोग्राम करते हैं, जनाब अरसलान खोकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सना, कैसे देख रही हैं आप दौरा ऑस्ट्रेलिया को? टीम आज रवाना हो रही है, कुछ खिलाड़ी पहले ही जा चुके हैं, अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं, ऑब्वियसली कोच का मैं आपसे पूछना ज़रूर चाहूँगा, कल भी हमने गुफ्तगू की थी कि वो इम्पैक्ट उस ड्रेसिंग रूम में क्या होगा, क्या वो ये सोचेंगे कि हमारा कोच 6 महीने बाद चला गया है, अब जेसन इस टीम को चला रहे हैं, या आपको लगता है कि कुछ सिनर्जी जो है वो बनी रहेगी? देखिए, कुछ प्लेयर्स तो ऑब्वियसली उस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे जिसने ये सीरीज़ जीती और गिलेस्पी भी वहाँ पर कोच थे, पर कुछ प्लेयर्स को रातों रात वापस भी किया गया और ऑब्वियसली वहाँ पर भी देखा कि गिलेस्पी उनको आपके सामने एक अच्छे तरीके से बात करते हुए नज़र आए, तो आई थिंक इन कोच के साथ किसी का भी कोई ख़ास प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि कोच और कप्तान के साथ प्रॉब्लम शुरू ही तब होते हैं जब वो डिसीजन मेकिंग में आते हैं, जब वो ये फैसला करते हैं कि ये प्लेयर टीम का हिस्सा होगा और नहीं होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होते हैं। जहाँ ये पता हो कि कोच और कप्तान की किसी ने सुननी नहीं है, वहाँ पे वो वाला प्रॉब्लम इतना नहीं होता, सिर्फ टीम को जो आपने एक चलाना होता है और परफॉर्मेंसेज लेनी होती हैं, वहाँ पे कोच की कमांड में फ़र्क आ सकता है, क्योंकि अगर कोच चाहे कि आप इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दें और आप अपनी एवरेज के लिए खेल रहे हैं, एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, तो वहाँ पर
प्लेयर अपनी मनमानी कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि मैं फलाने को फ़ोन करा दूंगा या उसको उधर से बात करवा दूंगा तो मेरी सिलेक्शन पक्की है, तो कोच मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए कोच कप्तान का वहाँ पर होना, क्योंकि आपने एक उनको क्लैरिटी देनी होती है कि रोल की में क्या आपकी क्या क्लैरिटी है, मैं आपसे क्या रिक्वायर्ड है, आप वो क्लैरिटी दे भी दें और प्लेयर उसके ऊपर अमल ना करें और उसका आप कुछ ना कर सकें, आपके हाथ में अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो उसका फ़र्क टीम की इन्वायरमेंट पर पड़ता है। पर अब ऑब्वियसली क्योंकि T20 हमने खेलना था तो अब उन्हीं कोच को, उन्होंने जाना ही था ऑस्ट्रेलिया तो उन्हीं को इंटरिम अभी कह दिया गया है। पर हो ये सकता है कि ऑब्वियसली जो थिंक टैंक पसंद आए हैं अभी फ़िलहाल, हो सकता है आगे उनकी कोई रास्ता साफ कर दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेट चीज़ ये कि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले फिर हम बहुत सी चेंजेस देख रहे हैं। तो आपने कहा तो ज़रूर कि टीम सेटल हो गई है, पर मैं इख्तिलाफ करूंगी। मेरे ख्याल से अभी सेटल होने में बड़ा टाइम बाकी है और ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्वियसली अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया है क्योंकि वो अपने टेस्ट सीरीज इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो वहाँ पर आप एक देख लें कि उनकी क्लैरिटी कितनी है, कि जो लॉन्गर फॉर्मेट है उसको वो लोग तरजीह देते हैं, और ये जो वनडे और T20 फॉर्मेट है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी उनको पता है कि हमने आगे सिर्फ अभी इन प्लेयर्स को एक्सपीरियंस देना है, पर एक्चुअल आपकी जो टेस्ट सीरीज है मेन फोकस आपका उसके ऊपर है। अच्छा, ये पूल ऑफ प्लेयर्स वैसे इतना तगड़ा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि अगर आप उनके स्क्वाड की भी बात करें, अगर वो ये चॉप्स एंड चेंजेस करते भी हैं, हमने माजी में भी देखा है कि एक टाइम पर हम बहुत ईजिली कह देते थे 3 से 4 टीम्स जो हैं वो उनकी तैयार खड़ी हैं। अब T20 में हमने एकदम से देखा कोल्टन नायल आते थे, मिशेल मार्श को फिर इस तरफ लाया गया, वरना वो तो ज़रा टेस्ट की तरफ ज़्यादा फोकस थे। मतलब वो कहते हैं ना कि आपको हर फॉर्मेट के लिए तो प्लेयर है ही, लेकिन हर सिचुएशन के लिए भी उनको प्लेयर मिल जाता है। तो वो तो बड़े आई थिंक बड़े क्लिनिकल हैं कि अगर वो यंग टैलेंट भी खिलाएंगे तो उसको भरपूर मौका देंगे। हमारी हिकमत अमली क्या होने वाली है? अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करूँ, चैलेंजिंग है, ठीक है। जो डिस्टर्बेंस इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारे हेडक्वार्टर्स के अंदर भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारे जो मामला इस वक्त चल रहे हैं वो डिस्टर्बेंस प्लेयर्स तक भी पहुंच रहा है। अगर आप उनके फेसेस से चेक करो ना, एक्सप्रेशंस आपको नजर आ रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं अहमद भाई, जिस वक्त आपके प्लेयर्स जो उनसे ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच जाते हैं, बेशक वो जैसन गिलेस्पी क्यों ना हो, उनके साथ थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम उन्होंने शेयर किया हुआ है। जब आप पहला मैच खेलते हो, अल्लाह करे कि आप जीत जाओ, उस वक्त आपका दिमाग इतना नहीं काम करता। जब आप मैच हारते हो तब जाके कप्तान, कोच, मैनेजमेंट बैठती है, कहती है यार गलती ये हो रही है, अनफॉर्चुनेट है, फिर बातें स्टार्ट होती हैं कि यार ये प्लेयर्स का पूल इतना ही है, वो लड़का अच्छा था, अगर हम उसको उठा लेते कुछ हो सकता मामला, तब जाके बातें स्टार्ट होती हैं। पहले इनिशियली आपको बात नज़र नहीं इसमें आएगी। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की बात करूँ, चाहे एशियन कंडीशंस की बात करूँ, टफ रहा है आपके लिए हमेशा, क्योंकि चैलेंजिंग पोजीशन है। ज़रूर थोड़ा सा विकेट, अब आपको पता है एटमोसफियर चेंज हो चुका है, वो ड्रॉप इन विकेट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। MCG में अभी भी आप देखें पिक्चर्स आ रही थी ड्रॉप इन विकेट पे। इसमें टेक्निकली ज़रूर बताइएगा क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो सॉइल बहुत हार्ड है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए वहाँ पर। देखिए दो चीज़ें, एक तो वेदर कंडीशन, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त गर्मी है, आप अपोजिट वेदर में जा रहे हो। आप पेसेस की बात करूँ, पर्थ के अंदर आई डोंट थिंक सो कि हमारा को मैच है, MCG के अंदर है, वहाँ पर फिर भी थोड़ा सा बाउंस आपको मिल जाता है, फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की हाली अगर आप सीरीज देखो ना, उसने ज्यादा बैट्समैन को सपोर्ट किया, वो ज्यादा बैट्समैन ज्यादा सपोर्टिव हो चुके हैं क्योंकि वहां पर एक वो ड्रॉप इन वाला एक जो कल्चर आ चुका है वो आपको नजर आपको यानी रन्स बनेंगे। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इस वक्त हैरानगी वाली बात है, कोच वाली तो हमने कल काफी इस पर बात की है, मेरे लिए सबसे बड़ा जो परेशानी है वो आपके बैटिंग ऑर्डर को लेके है। देखिए आपने क्रिटिसाइज भी किया, मैंने भी यहाँ पर कहा कि यार अब्दुल्ला शफीक को बहुत ज्यादा चांसेस दिए आपने, साइम अयूब पे बहुत ज्यादा आपने, मैं कहता हूँ कि ज्यादा कुछ शायद आप प्रेशर है उसके ऊपर कि यार मैंने परफॉर्म करके देना है, उसको बहुत ज्यादा आप चांसेस दे रहे हो, आप फिर गलत कर रहे हो, आप इतना बुरे तरीके से, मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे कि वो परफॉर्म दोनों कर जाए, अगर खुदा न खास्ता नहीं करते, मसला क्या होता है कि साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा डेंट होता है, एक तो फैन प्रेशर आपके ऊपर आता है, ऑब्वियसली हर किस्म का प्रेशर उन प्लेयर्स पर आएगा, साइकोलॉजिकली डैमेज होगा, वो वापस उठता नहीं इतनी जल्दी, उसको टाइम लगता है उस पर आते हुए। इसलिए यहाँ पर था कि बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान किस किस्म का खिलाएगा बाबर आजम, क्योंकि वहाँ पर T20 वनडे भी मौजूद है। कल आपने कुछ पिक्चर्स भी देखी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जब वो उतरे एयरपोर्ट के ऊपर तो बाबर आजम के पास अच्छा वाला क्राउड था। पैट कमिंस का भी कमेंट भी सुन रहा था, उन्होंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट विकेट जो हमारे लिए वो बाबर आजम की है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो एक कैरी करते हैं, लेकिन बाबर आजम पे भी एडेड प्रेशर है, शाहीन पे भी एडेड प्रेशर है। लेकिन वैसे अब सारा वेट हट चुका है। नहीं, आज मैं देखें वेट आपका हटा कप्तानी का, जो भी मामला थे प्रेशर हो गया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम प्रेशर में जा रही है वहां। क्यों? ठीक है आप इंग्लैंड सीरीज यहाँ जीते हो, दैट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, प्रेशर में इसलिए जाओगे जो मामला हुए आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो भी इशू बने। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आपका है, बाबर आजम की बात करूं, आपके ऊपर एडेड प्रेशर स्कोर का है कि आप स्कोर नहीं कर रहे, रन आपके नहीं निकल रहे। शाहीन पे बात करूं, शाहीन पे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार अगर आप फिटनेस के मसाइल पे जाते हो तो शाहीन तो आपका फिटनेस इशू का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, वनडे के अंदर तो वो बनता ही नहीं उसका, आपने फिर भी उसको ठीक है डिमोट करके सी कैटेगरी में लेके आओ, दैट मींस स्ट्राइक फास्ट बॉलर के दिमाग पे ये प्रेशर होता है कि यार मैंने विकेट्स लेके देना है।
उसके ऊपर वो एडेड प्रेशर होगा। नसीम शाह की बात करें, वो भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, एज सच नसीम शाह को उस कलर में नजर नहीं है, तो पाकिस्तान टीम प्रेशर में होगी। और वो ट्रायल्स ले रहे हैं लोगों के, आप कह रहे हैं वो फिट नहीं है, मतलब ये वो क्या राय है? फिर बाहर से वादे भी लोग कसते हैं ना कि शाहीन ने कह दिया तो समझो हो गए टीम में। ये बात तो सच्ची है। ये अरसलान भाई ये बताइएगा कि जेसन गिलेस्पी को तो अब बतौर इंटरिम कोच बनाकर भेज दिया है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोच रहा था, मुझे लग रहा था क्योंकि टेस्ट सीरीज खत्म हुई है, अगली टेस्ट सीरीज में टाइम है, तो शायद उन्होंने छुट्टी भी जाना हो, तो उन्होंने कहा चलें कोच ही लगा के भेज दें। बट खैर, इसका बरक्स एक पहलू ये भी है कि मैं ये ज़रूर सोच रहा था कि शायद आप गिलेस्पी को यहाँ पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है, वहाँ पर ज़रा स्काउटिंग के लिए कोई ऐसा प्लान बना सकते थे, बट ऑब्वियसली ये टूर भी इम्पोर्टेंट है। तो आप किस तरह देख रहे हैं? और सना ने तो डेफिनेटली इशारा ज़रूर किया, नाम नहीं लिया, लेकिन बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच के लिए कौन है उस रेस के अंदर, किसका नाम फाइनल किया जा रहा है? यार एक तो ना लास्ट 15 डेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी मजे के हैं, एक्साइटिंग रहे हैं। 850 के करीब स्कोर खाते हैं, मैच हारते हैं, एक दिन पहले तक हम बाबर शाहीन नसीम के बगैर क्रिकेट का तसव्वुर नहीं करते, एक दिन बाद हम ऐसे प्लेयर जो पॉपुलर भी नहीं है, जिनका लोग नाम भी नहीं जानते, वो आते हैं मैच जीत जाते हैं। जब मैच जीतते हैं फिर हमें पंखे भी याद आते हैं, पिच भी याद आती है, फिर हमें सिलेक्टर भी याद आता है, फिर हमें ये भी पता चलता है यार देखें हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ थी, इसको खिलाया नहीं गया, कामरान गुलाम आ गया, ये हो गया, दूसरा टेस्ट भी हम अपने पंखे लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर हम वाइट बॉल की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। इन बिटवीन कैप्टन आ जाता है, कैप्टन मुलाकात किसी और की होती है, कैप्टन कोई और आता है, पोर्ट्रे कोई और होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं जी इन बिटवीन ये सेटल नहीं हुआ तो आपका कोच चला गया। अभी कोच गया नहीं था, इंटरिम कोच आया नहीं था, फिर हम डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बातें सुन रहे हैं, हम कोच की बातें सुन रहे हैं, फिर हम डायरेक्टर इंटरनेशनल की बातें सुन रहे हैं। ऑलरेडी डायरेक्टर इंटरनेशनल पे जो आदमी बैठा था फ़खर का एक अलग मसला था उनके साथ, फ़खर के ट्वीट की बातें सुन रहे हैं, चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया। तो ये 15 दिन बड़े ही ज़बरदस्त पाकिस्तान क्रिकेट के हैं। इन 15 दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आप डिफ़ाइन करें ना, तो आप डिफाइन से ज़्यादा ये है डिक्लाइन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, दीज 15 डेज डिक्लाइन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है ये। अगर तो आपके पास एक कोच नहीं ठहर रहा, मिकी अर्थर के साथ भी यही हुआ, उसने ट्वीट भी कर दिया, उसने बता भी दिया कि सिलेक्शन का क्या मामला है, गैरी क्रिस्टन अपना पूरा बयान देंगे और वो बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है, आप मुझे बताएं क्या अगली बार कोई अच्छा कोच ट्रस्ट करेगा? बहुत मुश्किल है। इवन अभी भी जिस तरह सना ने निशानदेही की थी कल के शो में कि जब इस बार भी ये चाह रहे थे कोच को लेकर आना, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी और बड़ी तगो दो के बाद गैरी कर्सन जो है वो फाइनल। दो चीजें हो गई, कैप्टन का टेन्योर फिक्स नहीं है, कहाँ ऐसा होता है कि कैप्टन का टेन्योर फिक्स, ये तो बताएं उसको कि साल हो, 6 महीने हो, दो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, जी सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, एक्सेल शीट तो हाँ नहीं, कैप्टन का टेन्योर फिक्स नहीं है, कोच का टेन्योर फिक्स नहीं है आपके पास, वाइस कैप्टन का भी टेन्योर फिक्स नहीं है आपके पास, टीम आपके पास जो खेलने जा रही है उसके साथ असद शफीक जाएंगे जो टीम सिलेक्शन का रोल प्ले करेंगे, ठीक है, अब सिलेक्टर मुशावरत में वहां मौजूद होगा प्लेइंग 11 में, तो ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस है मेरा ख्याल, इतनी खतरनाक और इतनी ज्यादा चेंजेस ना थोड़ा सा परेशानी, लेकिन अब क्योंकि हो गई है तो फिर एटलीस्ट इनके साथ रहें तो सही, नहीं ना सेटल नहीं हुई है, यही आपको अभी ये चेंजेस हुई नहीं है, फखर का मसला जनवरी तक लटका है फिटनेस के लिए, फखर इन बिटवीन फर्ज करें रिटायरमेंट लेता है, टीम को शायद फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जो आपकी एक एक फैन बेस है ना उधर बड़ी जंग छिड़ गई। उन्होंने तो शो कॉज का भी जवाब दिया, लेकिन उसमें उन्होंने माफी का जो लफ्ज है वो नहीं यूज किया, उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया कि मेरा अपना ओपिनियन था, कहीं पे उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा वो ठीक है, वो उनका अपना ओपिनियन था सारा कुछ, बट फखर भी इस चीज से थोड़ा दूर रहना चाहिए, अपने प्लेयर एजेंट की बातें खामखा आ रही है, उनके भाई ने ट्वीट कर दिया, भाई का ट्वीट डिलीट हो गया थोड़ी देर पहले, अब प्लेयर एजेंट भी वापस आ गया जो थोड़ी देर पहले चला गया था, मुझे ये चीज समझ से बाहर है यार, हम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जा रहे हैं, टीम मेंटली सेटल कैसे होगी अगर उसको पता होगा कि यार मेरा कैप्टन भी एम्पावर्ड नहीं है, मेरा वाइस कैप्टन भी एम्पावर्ड नहीं है, तो कोच तो है ही नहीं एम्पावर्ड, कोच ये कहेगा यार तुमने ये करना है, प्लेयर का ठहरो मैंने ज्यादा पता है यार, तू खुद तुझे नहीं पता कि तूने कल होना है या नहीं, आप किसी चीज को अलाइन करते हैं ना तो आप उसके बाद रिजल्ट देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन टूर के लिए अपने मेजर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया, इससे आपको क्या मैसेज गया कि वो आपकी टीम के लिए सोच लेते हैं कि यार हमारी तो जो सेकंड टीयर के प्लेयर्स हैं वो भी इतना खेल लेंगे कि पाकिस्तान को टैकल कर लें, क्यों मतलब आप ऐसा मैसेज दे रहे हैं
कि यार हम बी टीयर के साथ खेलें। आप जिम्बाब्वे के लिए जो टूर सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी रिजवान जा रहे हैं साथ, और आप वहाँ भी ये नहीं उनको मैसेज दे रहे यार नहीं जाता भाई रिजवान हमारा, बाबर नहीं जाता वहाँ, हसनैन भी नहीं जाता वहाँ, अब नए लड़के खिलाते हैं हसनैन ऑलरेडी, वो आपके लिए बी टीयर सेलेक्ट कर रहे हैं, इससे आपको मैसेज क्या जा रहा है कि आपकी क्रिकेट किस हद तक नीचे आ गई है, और आप जिम्बाब्वे के लिए ए टीयर तैयार कर रहे हैं, तो आपको सोचना खुद है कि आप अपना मैसेज दूसरों को क्या दे रहे हैं, दुनिया आपके बारे में क्या परसेप्शन बना रही है। ये बहुत बड़ा, इंग्लैंड से एक मैच जीत गए आपने, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मैच जीता, कमाल कर दिया, आपका राइट था। ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, वो उनका कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। फ़खर जमान उठती बॉलों को अच्छा खेलता है, दुनिया जानती है कि तेज़ पिच, मैं हमेशा कहता हूँ तेज पिचेस का फखर जमान बेटर प्लेयर है बनिस्बत। अच्छा ये भी एक हॉलमार्क बन गया कि कोई भी नया कप्तान हो तो ऑस्ट्रेलिया टूर आ जाए फौरन, ये भी ठीक है। बाद ये भी बन गया है कि ऑस्ट्रेलिया फौरन ऑस्ट्रेलिया भेज दो, तबाही का बाइस भी बनता है। आप जिसको कप्तान बनाते हो उसको ज़िबा करने भेज रहे हो ना, मेरे ख्याल को पता है कि परफॉर्म नहीं करेगा, आगे बता देंगे यार आप, फिर वो अपना वही वाला रेटरिक शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से सारे में अगर एक ही कंसिस्टेंसी रही है तो वो नदीम खान की रही है। ये जो तीन एक लोग है ना, वो एक ओहदे से उठते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और पहले वाला उसकी जगह आ जाता है, ये जबरदस्त सा एक सर्कल चल रहा है, इसमें कोई मसला नहीं। नदीम खान साहब को कभी भी नौकरी का कोई मसला नहीं रहा, कभी नहीं रहा, रमीज राजा के होते हुए भी नहीं रहा, और उसकी वजह ये है कि मोइन खान नौकरी नहीं करते पीसीबी के साथ, तो नदीम खान को इशू नहीं है, कहा भी कुछ नहीं आपने और बहुत कुछ भी कह गए, लेकिन ये इस तरह के इशारे जो है ना ये तो चलते रहेंगे। हाँ आजकल हो रही आमद थोड़ी सी, कुछ है नहीं ना पाकिस्तान क्रिकेट को देखकर तो शायरी की तरफ आ गए, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपने वहाँ पे खेलनी है, जो आपका स्क्वाड है, जो उनका स्क्वाड है, ये बड़ा जरूरी है कि जैसा कि मैंने कहा कि अब प्लेसमेंट्स बड़ी मैटर करेंगी। बाबर कप फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली कर लेते हैं, वैसे कह रहे हैं कि शायद उन पर प्रेशर होगा, मुझे लग रहा है कि शायद अब वो वेट ऑफ द शोल्डर है तो जरा और फ्रीडम के साथ खेलते हुए शायद नजर आए। बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है क्रिकेट पे बात करना, क्योंकि क्योंकि सारे सारे प्रोग्राम में तो हम यही करते रहे हैं कि क्रिकेट के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ तक को यहाँ तो दिमाग जा ही नहीं रहा ना, सारा दिमाग इसी बात पे आ रहा है जो अरसलान भाई ने भी बातें की हैं कि म्यूजिकल चेयर जो हमारी पीसीबी में लगी रहती है, और अनफॉर्चुनेटली बड़ी पते की बात की, मुझे तो लगता है क्रिकेट इन्फो पे एक कॉलम लिखा जाना चाहिए लास्ट 15 डेज ऑफ क्रिकेट, वो हर 15 दिन के बाद आप उसको अपडेट कर दें, 20 दिन के बाद अपडेट कर दें, क्योंकि इतना कुछ होता है हमारे 15 दिनों में, इतना कुछ हो जाता है जो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से महीनों में कुछ नहीं होता। जो बातें पी गया था मैं वो बातें खा गई मुझे, ये वो वाला हिसाब हो गया। बस ये वही वाली बात है, तो इंडिया की हार नहीं, ये मैंने कल मेंशन किया था इन 15 दिनों में, नहीं ये मैंने कल मेंशन किया था, लेकिन हमारी कप्तान ने इसको बकाया था, डिनाई किया, उन्होंने कहा मुझे तो ये खुशी की समझ नहीं आ रही कि खुश होना है क्या करना है यहाँ पर, वो क्या रहा है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली मतलब इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, उन्होंने सारे फॉर्मेट के फाइनल्स खेल लिए हैं, उनकी वुमेन्स टीम देख लें, अंडर 19 हर जगह पे देख लें, उन्होंने हमसे बहुत अपना बेहतर स्ट्रक्चर बना लिए, तो हमें पहले वही कंपैरिजन करना है कि हम तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपनी ए टीम भेज रहे हैं, तो हम अभी बाकी टीमों से कहाँ कंपेयर करेंगे, और ये भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सी टीम आके आपको परेशान करके गई थी, तो ये चीज़ें हमें खुद देखनी पड़ेंगी कि लीडरशिप जो होती है ना वो हमेशा एक सिक्योर इन्वायरमेंट में सबसे बेहतरीन होती है। अगर आपका लीडर खुद इनसिक्योर है, वो हर अपॉर्चुनिटी खुद लेगा, तो कभी भी आपकी टीम डेवलप नहीं होती। आपकी हमेशा लीडरशिप इस बात से नज़र आती है, जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो अपने इर्द गिर्द और अच्छे लीडर्स डेवलप करते हैं, तो हम जब मौका ही किसी और को नहीं देते, आप देख लें इस टीम के अंदर कितने लीडर्स बने, इस टीम के अंदर कितने विकेट कीपर्स आए और चले गए, तो जब तक हम खुद सिक्योर नहीं होंगे कि मैं अगले 5 मैच भी ना खेलूं या मैं पूरी सीरीज भी छोड़ दूं, मैं वापस अपनी जगह पे आऊंगा, इसमें प्लेयर्स का कसूर नहीं है, मैं हरगिज नहीं कहती प्लेयर्स का कसूर, सिस्टम का कसूर है, क्योंकि प्लेयर्स अपनी उनको पता है कि हमारी इतनी गोल्डफिश मेमोरी है कि हमने 2 मैच में बाहर बैठे और किसी और ने परफॉर्म कर दिया तो हम वापस ही नहीं आ सकेंगे जब तक हम 4 जगह से फ़ोन ना करें, तो ये चीज़ें करने वाली हैं। बाकी जो आपने बैटिंग ऑर्डर और उनकी बातें की हैं, सच्ची में अभी तक तो दिमाग वहाँ पर गया ही नहीं, प्लेयर्स भी नहीं फोकस हो पा रहे हैं, क्योंकि इतनी चेंजेस हो रही है टीम में कि समझ नहीं आ रही कि उनकी क्या टीम है हमारी क्या टीम है, तो वो बातें तो बाद की बात है, पिच का थोड़ा सा पता चलेगा तो हम करेंगे, बट अभी मुश्किल होगी आपको, क्योंकि आप जिस तरह फ़खर नहीं है
तो वनडे क्रिकेट के अंदर आपको अब इम्पैक्ट प्लेयर अगर चाहिए टॉप ऑर्डर में, आपने अब्दुल्ला शफीक को भी रखा है, आपने बाबर आजम भी हैं, रिजवान भी हैं, T20 में भी हैं, तो उधर आपको एक क्रंच आएगा कि साहिब अयूब के ऊपर ही मेन फोकस होगा कि वो इम्पैक्ट डालें, या फिर आप हसीबुल्ला को एज अ प्योर बैटर खिलाना चाहेंगे, वो अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी। बट अभी तो जो ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज हैं अभी उसी पे हम लोग फंसे हुए हैं, हीटर और पंखा ही चल रहा है हमारे दिमाग में। लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ हमने जाना है, गुफ्तगू मेरे ख्याल से जारी जरूर रखेंगे, क्रिकेट की तरफ आने की कोशिश फिर करेंगे कि हमारी भी गोल्ड फिश मेमोरी जरा रिफ्रेश हो जाए, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। जी नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू का आगाज़ जो है अब हम लेकर जाएंगे, हमारे नए गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साबिर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सेगमेंट का आगाज़ अब आपसे करते हैं, सबसे पहले आपकी 3-4 दिन की जो डेवलपमेंट्स आपने देखी हैं, बहुत से लोगों ने आज अपने दिल को खोल के इजहार राय किया है, अब दौरा ऑस्ट्रेलिया आ गया, नए कप्तान हैं, नए वाइस कप्तान हैं, इस वक्त इंटरिम कोच का भी एक रोल होगा, ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलियन हैं, थोड़ा बेहतर समझते हैं और बड़ा क्लिनिकल हो जाएगा मेरे ख्याल से जो उनकी इनसाइट होगी, कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? देखें, कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो एक्सपेक्टेड थे पीसीबी की तरफ से, मगर कुछ डिसीजन शॉकिंग भी हैं एज ए क्रिकेटिंग फैंस के लिए, मगर कहीं ना कहीं पे हमेशा जिंदगी में जिस तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को लिया जाता है, इस तरह से ये जो डिसीजंस हुए पीसीबी की तरफ से, हमें पॉजिटिव चीज़ों को पिक करना चाहिए। सबसे पहली बात, रिजवान को कप्तान बनाया, वो डिजर्व भी करते, जिस तरीके से वो लड़कों को ग्रूम करते भी, यंगस्टर्स की बात करें मुल्तान सुल्तान में उनकी कप्तानी देखी है, पिशावर की तरफ से हमने डोमेस्टिक में उनकी कप्तानी देखी है, सलमान अली आगा एक अच्छा साइन है। कुछ दिन पहले शायद आप लोगों ने भी प्रेडिक्ट किया था सलमान अली आगा का नाम, शायद वो भी कहीं ना कहीं से एक अच्छा साइन है फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, और जिन लड़कों को चांस दिया गया इस पर्टिकुलर टूर पे, तो ये भी काफ़ी खुशाइंद है, क्योंकि हम लोग काफ़ी अरसे से बात करते हैं, चाहे जिम्बाब्वे के टूर्स हो, नीदरलैंड की ODI सीरीज़ हो, तो हम लोगों ने हमेशा बात की है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, कि बाबर आजम, शाहीन शाह, अफरीदी, शादाब या इस तरीके से जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स खेले थे, उनको कहीं ना कहीं पे इस तरह के टूर्स नहीं करने चाहिए, जिस तरह हमने पड़ोसी ममालिक की मिसाल देते हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इंडिया, इनफैक्ट इंडिया के हमेशा मिसाल देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये काफ़ी टूर अच्छा होगा। और हमने देखा भी ये पास्ट में जो यंगस्टर्स होते हैं, खास करके हमने इमर्जिंग एशिया कप में देखा, 2023 में हमने देखा जिस तरीके से हमने फाइनल भारत से जीता था, इस पर्टिकुलर T20 फॉर्मेट में हम लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया दो के, मगर हमें अच्छे कुछ साइन नज़र आ रहे हैं, चाहे अरफात मनास की शक्ल में हो, सूफियान मुक्यान की शक्ल में हो, तैयब ताहिर को जो इंक्लूड किया है खास करके वो जिम्बाब्वे के टूर पे, वो काफ़ी खुश आइंद है, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, और हमने उनकी सेंचुरी भी आपको याद होगा मजी एशिया कप पे जो उन्होंने खेली थी, तो कहीं ना कहीं पे अच्छे साइन नज़र आ रहे हैं, खास करके हम स्पिनर्स की हमेशा मैंने बात की है, हमें शादाब नवाज के अलावा 2-3 साल कुछ स्पिनर्स नज़र नहीं आ रहे थे, मगर अगेन हमें ये देखना पड़ेगा कि रिजवान की जो कप्तानी होगी वो उनको लड़कों को यूटिलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, मोहम्मद हसनैन का वापस आना, वो ऑस्ट्रेलिया बिग बैश खेल भी चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी है, तो काफ़ी अच्छा साइन है, मैं तो कहूँगा कि पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, और मोहसिन नकवी से हमने काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट की थी, क्यों? कि उनके पास एक 3 साल का जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, तो आई थिंक उनमें डिसीजन काफ़ी हद तक अच्छे होते जा रहे हैं। बिल्कुल, कप्तान भी हैरानगी से देख रही थी कौन आ गया है जो क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा है और टीम की बात कर रहा है और सिलेक्शन की बात कर रहा है, जैसा कि हमने आपको ब्रेक से पहले भी बताया कि बड़ा एक आयरोनिक सा सिनारियो बना हुआ है, लेकिन अवैस मेरे ख्याल से यंगस्टर्स की तबीयत ठीक है? नहीं, वो तो मैं वो सवाल नहीं पूछना चाह रहा उनसे, भाई क्रिकेट का प्रोग्राम नहीं हो रहा। नहीं, मैं वो सवाल पूछना नहीं चाह रहा, लेकिन अवैस मुझे ये बताएं कि ये यंगस्टर्स जिनकी निशानदेही ये कर रहे हैं, इनका रोल जो है वो डिफाइन करना अभी से बड़ा जरूरी है, अगर आप इनको मौका भी देते हैं, हमारे पास पाथवे तो बड़ा डिफाइन हो गया पाकिस्तान क्रिकेट का, थोड़ा सा डिफाइन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन यंगस्टर्स को आपने किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है ये बड़ा ज़रूरी होगा, खास तौर पर इन तमाम टूर्स पे, क्योंकि 4 महीने बैक टू बैक क्रिकेट हमें नज़र आ रही है। ये प्लस पॉइंट आपके पास कि आपके पास क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा हमें भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया वो टूर है जहाँ पर आप यंगस्टर्स को ज़्यादा आजमाओगे नहीं, वरना आपके पास मूसा जैसा एक आपके पास अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट होगा कि आज तक वो वापस लड़काया नहीं है,
फैसल अकरम मौजूद है। मैं स्पिनर्स पे आना चाहूंगा स्पेसिफिकली, क्योंकि स्पिनर्स ही आपके पास ज्यादा यंगस्टर्स हैं। फैसल अकरम भी है, क्योंकि फैसल अकरम की बात करें, लेकिन कासिम अकरम भी एक आपका पता है जिम्बाब्वे सीरीज के लिए। मैं सिर्फ ये बात करूं कि उन अंडर 19 क्रिकेटर्स को जिनको आपने भी फॉलो किया था, आपको याद होगा उसमें एक तल्लत भी थे, वो भी बहुत अच्छा खेले थे, बहुत सारे नाम थे, बट उसमें बड़े हैंडफुल निकले हैं और वही फिर 3-4 नाम आगे गए। यार अहमद भाई, मसला ये है ना कि अंडर 19 से हमारे स्ट्रक्चर से कितने लड़के निकलते हैं ना, पाथवे नहीं होता। पाथवे किसको कहते हैं? आप देखें, खाली डोमेस्टिक पाथवे नहीं है आपका, क्या ये जो बंच ऑफ क्रिकेटर्स हैं, चले आप ये चैंपियंस कप की बात करो, जो लड़के इसको चैंपियंस कप से निकले थे, क्या उनको कहीं पर आपने कलेक्ट करके हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसलिए बनाते हैं ना कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहां पर आप ग्रूम करके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन का या फास्ट बॉलिंग पेसेस का, बैट्समैन का आप एक कैंप लगाते हो, उसमें से लड़के तगड़े निकाल के आप पाकिस्तान शाहींस में लेके आते हो, पाकिस्तान शाहींस के आप टूर करवाते हो। हमारे अनफॉर्चुनेट है कि अब जाके वापस स्टार्ट है, वरना आपको साल डेढ़ पहले चले जाओ, कोई पाकिस्तान शाहींस के टूर नामो निशान नहीं था आपका। तो लड़का वही कहता था अंडर 19 का, यार मैं जाऊं कहां पर। मुझे याद है जब मैं लीग क्रिकेट खेलता रहा इंग्लैंड के अंदर, कसम खुदा की मुझे खुद हैरानगी होती थी किसी लड़के से पूछना, पेसर अगर लगा हुआ, यार कहाँ से खेलते रहे हो? सर मैं 2008-09 में पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? सर चांस नहीं मिला यहाँ पर आके काम। आप डिस्पर्स करते हो लड़कों को, आप फिर कहते हो कि वो जाके किसी और कंट्री से खेल रहा है। सुफियान मुकीम आपके पास मौजूद है, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स मैं कहता हूँ, उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया यूथ क्रिकेट के अंदर। फैसल अकरम को मैं बहुत ज्यादा रेट करता हूँ, लेकिन अभी हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ही इज टू यंग फॉर दिस क्रिकेट। आप लेके गए, अच्छी बात है कि आप उसको एक एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हो, वो पाकिस्तान शाहींस का भी पार्ट रहता है, पाकिस्तान साइड मैचेस का भी। मुझे याद है अरशद खान, क्योंकि हमारे कोच भी थे रावला कोटॉक्स के लिए, मेरी ही टीम का वो हिस्सा था, उसका एक इशू था बॉलिंग एक्शन के अंदर कि वो बहुत जल्दी रिलीज करता था बॉल को, जिसकी वजह से उसको जो एक टर्न है वो या फ्लाइट जोन सी नहीं मिलती थी। अरशद भाई ने कहा थोड़ा सा लेट कर ताकि ग्रिप तेरी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग क्रिकेटर है, आहिस्ता-आहिस्ता सीखने वाला। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यार आपको सुफियान मुकीम जैसा टैलेंट, और वो इतना वो जो मिस्ट्री आप कहीं और करते रहते थे, आप इसको डेवलप करें फौरन से। आपको याद हो जब अराफात मिन्हास जब बैटिंग कर रहा था, सुफियान मुकीम की मैं बाद में करूंगा, एक फेमस यूट्यूबर जो बड़े मशहूर हैं क्योंकि वो हर मैच के ऊपर तबसरा करते हैं, वो लिटरली ये बात कर रहे थे कि आप जब कहते हो कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, ये टैलेंट है ना, आपको नजर नहीं आ रहा होता, ये टैलेंट है, इसको ग्रूम करके आपने पाकिस्तान टीम में लेके आना है। उसने जो इमर्जिंग का, बेशक हम हार गए, उसने जो दो इनिंग्स खेली थी अराफात मिन्हास ने, वो लिटरली आपको मैच जिताने वाली इनिंग्स थी, वरना आपकी टीम आपको पता बड़ी मुश्किल सिचुएशन के अंदर वहां थी। सुफियान मुकीम की बात करें, वो इंजरी का शिकार रहा, अगर आपको याद हो उस लड़के को वापस भेजा गया था, कश्मीर से उसका ताल्लुक है, वो अपना रिहा बेचारा खुद करता रहा, कोई उसका कोई देखने वाला लड़का नहीं था वहां पर मौजूद। हम टैलेंट को जाया करते हैं, ये लड़के वो हैं, अगर आप कैरी कर रहे हो इनको, अपने इनको पाथवे के अंदर रखते हो, इनको साथ रखो। आपके पास जिम्बाब्वे सीरीज भी है, जिम्बाब्वे के बाद ऑब्वियसली आपकी टफ सीरीज है, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, फिर ट्राई नेशन है, लेकिन ये लड़के एसेट है पाकिस्तान के। एक चीज जो मुझे इस दफा अच्छी लगी है, बेशक शताब खान का मुझे अच्छा लगा कि डोमेस्टिक खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, एटलीस्ट आप नए नामों की तरफ गए हो। हमारा एक थोड़ा सा मसला ये रहता था कि दो लड़के परफॉर्म नहीं करते, हम वापस जाके कहते थे हाँ उमर अकमल ग्रुप में बैठा हुआ उसको उठा के ले आओ, या चलो जी अपना यासिर शाह को उठा के वापस ले आओ। आपके पास नया फेस नहीं था, कम से कम आप नए फेस ऑप्शंस इंक्रीज हो गए, ऑप्शंस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ये ऑप्शंस जंग लग जाता है जब आप पाकिस्तान से लेके जाते हो इनको वापस। आपके पास बहुत सी केस स्टडीज है, अहमद बट सबसे बड़ी केस स्टडी है, इंग्लैंड में एक T20 था, आप लेके गए थे उसको, आपने बेंच पे बिठाया, उस वक्त वो फॉर्म में था, आपकी अगली गेस्ट सीरीज थी यूएई के अंदर, शायद इंग्लैंड के साथ ही थी, आपने उसको ड्रॉप कर दिया विदाउट बताए। बहुत से नाम है, आमिर यमीन है, आमिर यमीन है, उस्मान सलाउद्दीन है, आमिर यमीन ने बल्कि उसने लिखा हुआ था कि दबे अल्फाजों में कि मैं भी कहीं परफॉर्म करता, लिटरली करता रहा लड़का। वो परफॉर्मेंस बेस्ड सिनेरियोस तो जरूर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन जो एलिमेंट है मोहम्मद रिजवान का, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ नाम उठाकर देखें, क्योंकि टीम बहुत डिस्पर्स खाली नहीं रही, डिवाइडेड भी रही है, मोहम्मद रिजवान एज ए कैरेक्टर, एज एन इंडिविजुअल उस ड्रेसिंग रूम में, अब क्योंकि एक टास्क सिर्फ जीतना नहीं है या परफॉर्मेंस नहीं है, सबसे बड़ा टास्क ये भी है कि टीम मुतहद होकर खेले, वही टीम जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उस तरह की एक एनर्जी नजर आए। तो आपको नोइंग रिजवान, आपको लगता है एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि लगता है ये बाकी सारे नामों में वो एक ऐसा नाम है जिन पर सारे ही बैक करते हैं, तो दैट माइट बी पॉसिबल। बिल्कुल, और आई थिंक इसमें रिजवान का अपना क्रेडिट है, जिस वक्त बाबर को शुरू में हटाने की कोशिश की गई थी तो इनके पास भी कप्तानी की ऑफर्स हमने सुना था कि इनके पास लेके आया है, तो उस वक्त इन्होंने नहीं उसको माना। तो जब आप इस तरह से आप खुद बहुत ज़्यादा लालच नहीं कर रहे होते, तो फिर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेयर्स ऑटोमेटिकली आपको वो रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो बाबर भी, इनको बाबर के साथ कोऑर्डिनेट करने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि बाबर को पता है कि इन्होंने उस टाइम पर जो किया है। बाकी ज़्यादातर यंग टीम है, बाकी आपके पास एक शाहीन है जिनको आपको देखना होगा। उसके अलावा जितने भी इस टीम में हिस्सा है उनका पर्सनली रिजवान के साथ कोई इशू नज़र नहीं आता, और रिजवान की अच्छी चीज़ ये है उनके अंदर लीडरशिप आपको नज़र आती है, जैसे मुल्तान सुल्तान की बात की
कि वाकई उन्होंने ये फ़र्क नहीं पड़ा कि उनके पास टीम में कौन लोग थे, या ज़्यादातर उन्होंने यंग, उनका जो मेरे ख्याल से जो उनकी स्ट्रेंथ ही है वो यंग टीम के साथ थोड़े से सीनियर्स को ग्रूम करके और वहाँ से परफॉर्मेंस लेनी है। और आई थिंक वो वैसी ही टीम उनको इस दफ़ा भी मिली है कि आपके पास सारे सीनियर्स भी नहीं हैं, सारे यंगस्टर्स भी नहीं, अच्छा एक ब्लेंड है आपके पास। और इस चीज़ को बड़ी महारत से रिजवान ने दोनों तीनों दफ़ा जब उन्होंने कप्तानी की है, आपने देखा उनके अंदर अंडर शाहीन, वो शाहनवाज धानी सामने आए, एहसानुल्लाह सामने आए, खुशदिल शाह को उन्होंने बड़ा अच्छा यूज़ किया एज एन ऑलराउंडर। तो अराफात मिन्हास आए थे, एक ऐसे प्लेयर हैं, मैंने इनको ना सिर्फ पाकिस्तान जूनियर लीग में फॉलो किया बड़ा क्लोजली, फिर जो इमर्जिंग एशिया का पिछले साल का था उसमें बड़े खामोशी से इन्होंने परफॉर्म किया, पर उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और इस दफ़ा फिर ऑब्वियसली बैट बॉल दोनों के साथ इनको मौका मिला है, तो एक जेन्युइन ऑलराउंडर आप उनको डेवलप कर सकते हैं। आई होप इनका भी जफर गौहर वाला हाल ना हो या पीछे और लोगों जैसा हाल ना हो, बट अगर हम टाइमली इनको मौका दे दें सही टाइम पर तो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। और सुफियान मुकीम भी डेफिनेटली एक बड़े अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग सवाल ये ज़रूर है कि एज एन ऑलराउंडर योर सेल्फ आपको वो बैलेंस कैसे बरकरार रखना है, यंगस्टर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कोई बॉलर होता है वो जब बैटिंग में अच्छा होना शुरू करता है डाइवर्ट हो जाता है, कोई बैट्समैन अगर बॉलिंग की तरफ आ रहा है तो वो बैटिंग सफाइस कर रही है, उसको बैलेंस में कैसे रखना है? देखिए ऑब्वियसली ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। और शादाब का भी अनफॉर्चुनेटली वही ऑफ हुआ कि उनका ज़्यादा ध्यान बैटिंग पे चला गया, तो आपको नंबर ऑफ ओवर्स जो हैं लोड्स जिनको कहा जाता है कि जी आपको अपने लोड्स के ऊपर नज़र रखनी है वो बड़ा ज़रूरी है। एज ए स्पिनर अगर आप दिन में 8-9 ओवर नहीं कर रहे तो आपकी वो रिदम वैसा नहीं आएगा, आपकी रोटेशन बॉल के ऊपर कम हो जाएगी, आपकी फ्लाइट पर कंट्रोल कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बैटर हैं और आप अपने 1-2 घंटे का नेट नहीं कर रहे कम अज़ कम, तो वो चीज़ें आपकी अफेक्ट होंगी। तो ये ना सिर्फ प्लेयर की अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट जो कोचिंग स्टाफ होता है वो उनको कितना मौका देता है। हमने कभी कभी नेट पे देखा है कि सीनियर प्लेयर लगे हुए हैं तो 3-3, 4-4 घंटे बस बॉलिंग ही कर रहा है वो बंदे, उसको कभी बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। तो ये इसीलिए ऑन एक पेज पर होना आपके डोमेस्टिक कोचेस का, आपके इंटरनेशनल कोचेस का, इसलिए मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब हर महीने 2 महीने बाद कोच बदलता है, तो वो प्लेयर्स का कितना नुकसान होता है ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि आपका नेट पे किसने कितनी देर बैटिंग करनी है, किसने कितनी देर बॉलिंग करनी है, वो सब कुछ चेंज होता रहता है, नया नया कोच आता है, क्योंकि फिर ज़्यादा सीनियर्स की से हो जाती है जिसको वो बताएंगे, क्योंकि कोच भी नया आया है वो आके सबसे पहले सीनियर से ही पूछेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये फिर प्लेयर को बड़ा अफेक्ट करती हैं। तो आई होप कि कुछ स्टेबिलिटी आए और आपको फिर इसी तरह से अच्छे प्लेयर्स भी नज़र। बिल्कुल साबिर, आखिर में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये टूर तो बहुत ज़रूरी है और जैसा कि हमने कहा कि नए कुछ चेहरे भी सामने आएंगे, लेकिन जो ये मोहम्मद रिजवान का एलिमेंट होगा ड्रेसिंग रूम के लिए, क्योंकि बहुत अरसे से पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट बड़ा ख़राब रहा है, और वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम तक नहीं रहा, उसके कुछ असरात हमने कैमरे के ऊपर भी देखे जब टीम मैदान में उतरती रही है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब आपको लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑल दो मैं फिर भी कहूँगा अभी बहुत सारा टाइम रहता है, अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कंसिस्टेंसी की तरफ फैसले हो गए हैं, किसने क्या करना है बहुत ईजी हो गया काम इस मामले में, लेकिन अब डिफ़िकल्टी यहाँ पर आती है। आपको क्या लगता है रिजवान का जो इंडिविजुअल रोल है एज अ कप्तान, क्या वो उस ड्रेसिंग रूम को अब जोड़ पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जिस तरीके की पर्सनालिटी हम लोगों ने इनको देखा है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, कहीं ना कहीं से वो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं ड्रेसिंग रूम में, खास करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिस तरीके से सीनियर प्लेयर्स के साथ उनकी, उसी तरह से वो यंग लड़कों को भी आगे लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का जिस तरीके से आपने पास की बात की, रिसेंट पास की बात की, काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी हमने मैचेस के दौरान भी हमने देखा जिस तरीके का थोड़ा सा बिहेवियर का हमने बात करें, शाहीन शाफरीदी का हो, बाबर आजम का हो, ड्यूरिंग द फील्ड, तो कहीं ना कहीं से उन चीज़ों को अभी आई थिंक ख़त्म होना चाहिए। अभी हम लोगों का नया स्टार्ट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद आपको बड़ा जो मेजर इवेंट आपका चैंपियंस ट्रॉफी है, तो कहीं ना कहीं से अभी मोहम्मद रिजवान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा और हमें भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो चीज़ों को आई थिंक स्ट्रीमलाइन होती जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और वो लड़कों से परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं से देखिए हमने देखा है इतने मैं कहता हूँ कि कम तजुर्बेकार खिलाड़ियों को जिस तरीके से वो लेके चलें, वो देखें बेहतरीन कप्तान वो होता है लीडर जो लड़कों से काम लेना जानता हो। हम लोगों ने पास में देखा, हम MS धोनी की मिसाल बार बार इसीलिए देते हैं, स्टीव वॉ की मिसाल देते हैं, ये बड़े बड़े नाम थे, चलो पीछे चले जाए तो क्लाइव लाइट थे, इस तरीके से MS धोनी जी क्या करते थे कि वो देखें वो लड़कों से काम लेना जानते थे। किसी ने सोचा था कि जोगिंदर शर्मा जो आखिरी ओवर कराएगा मिसबाह को, तो मगर कहीं ना कहीं पे देखे वर्ल्ड कप जिता गया, तो ये कप्तान का बड़ा आप हमारे जख्म ताज़ा ना करें आप क्रिकेट पे बात करें। देखें कहीं ना कहीं से मोहम्मद रिजवान का ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि वो रोल प्ले कर सकते हैं और यंग लड़कों को खास करके लेके चलना पड़ेगा। एक छोटी सी मैं कहना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब ने आई थिंक इनिशियल अपने डेज में कहा था कि हमें
टूअर्स के अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, पिचेस तैयार करनी चाहिए। तो क्योंकि एफटीपी जब आपके पास आता है, चार साल के टूर, आपको पता होता है कि हमने किस किस महीने में किस किस सिचुएशन सीजन में हमने टूर करना है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए और साउथ अफ्रीका के लिए कि हमें अपनी पिचेस कुछ तैयार करनी चाहिए, खासकर प्रैक्टिस पिचेस हमें करनी चाहिए ताकि हमारे लड़के कुछ कहीं ना कहीं यूज टू हों। आपको याद होगा इंग्लैंड जब हम पास में जाया करते थे 20-25 साल पहले चले जाएँ, तो वो आई थिंक 20-30 दिन पहले जाया करते थे, 3-4 प्रैक्टिस मैचेस हुआ करते ताकि आप कंडीशन से थोड़ा सा एडजस्ट रहो, पिचेस के वाले से एडजस्ट रहो। तो पीसीबी को भी यदि ट्रेनिंग ट्रैक्स आपने बना दी, आपने होम सीरीज जीत ली, कहीं ना कहीं से जो आपके अवे टूर्स होते हैं तो पीसीबी को उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, खास करके ताकि जो साउथ अफ्रीका की पिचेस हों, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हों, उसको उस तरीके से आपके लड़के कम अज़ कम तैयार हो, खास करके हमने स्ट्रगल हमने देखा है। जी जल्दी से आपको मैं आपने कहा कि रिजवान और टीम कैसे लेके चलता है, असल आपका जो चैलेंज होगा वो कोच और रिजवान, वो जो सिलेक्शन कमेटी बैठी है उनका माइंडसेट कैसे मिलता है, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। टीम देखें जो आपको मिल गई है, रिजवान उसको जलब कर देगा। रिजवान एक ऐसे इंडिविजुअल है सबके साथ उनका माइंडसेट मिल जाएगा। नहीं देखो, एक मैं आपको बताऊं, जब मैंने आपको कहा ना कि आप जीत रहे होगे तो आप नॉर्मल हो, बिल्कुल, जिस वक्त खुदा ना खास्ता आप पे हीट का प्रेशर आया ना हारने का, तब आपका जो टेम्परेचर है फटता है, उस वक्त आप किस तरीके से अपने आपको कंट्रोल करते हो, तब मैं और आप यहाँ पर शो पे बात करें। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में कैसे एडजस्ट होना आप जानते हैं। सर, रिजवान भी मेरे ख्याल से बहुत रिएक्शन भी नहीं देते ड्यूरिंग द फिल्म। सरफराज को देखा, शायद बाबर को कहीं ना कहीं देखा, शाहीन जाफरीनी को मैंने देखा, रिजवान रिएक्ट नहीं करते, बेशक अपने लड़कों को इनफेक्ट लेके चलते। नहीं, वो पहले और हालात थे, अब रिएक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे ये मैं बता दूं आपको। लेकिन बहुत शुक्रिया साबिर, अवैस और सना आपका, मेरे ख्याल से रिएक्शन हो या फिर एक्शन हो, ये तमाम चीज़ें अब ऑस्ट्रेलिया में हमें ज़रूर नज़र आने वाली हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त टूर होने वाला है और कुछ चीज़ें जो हैं, जैसा कि मैंने कहा कि देखें बहुत सारी चीज़ें अभी भी इन हाइंडसाइट हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही, लेकिन कुछ फैसले अब क्योंकि हतमी तौर पर ले लिए गए हैं, लगता यही है कि अब इन फैसलों के साथ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चलते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमें नतायज देखने को मिलेंगे। सवाल फिर वही आता है कि आपने फिर इस सिस्टम को बरकरार रखना है और कितना अर्सा बरकरार रखना है। आपके पास प्लेयर्स का पूल भी आएगा, आपके पास जो है वो अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट भी बेहतर होगी, लेकिन इन तमाम चीज़ों को एक तसलसल की ज़रूरत ज़रूर है। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।